हेलो दोस्तों, जब आपका यूट्यूब चैनल किसी कारण से डिलीट हो जाए, यूट्यूब आपके चैनल को डिलीट या रिमूव या टर्मिनेट कर दे, तो आप क्या करोगे? सिंपल बात है, मैंने जो की है आप भी वही करोगे। आप बड़े बड़े यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट करोगे जैसे मैंने किया है, और मैंने काफ़ी सारे बड़े बड़े यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट भी किया है और काफ़ी लोगों ने मेरी हेल्प भी की है। काफ़ी सारे यूट्यूबर जैसे रोहित राज मोटिवेशन सर ने मेरे साथ वीडियो भी बनाई और काफ़ी सारा रिट्वीट भी कराया जिससे मेरे चैनल जल्दी से आ सके, और काफ़ी सारे मतलब मिलियंस वाले सब्सक्राइबर्स वाले चैनल जिन्होंने भी मेरा काफी सारा मतलब सपोर्ट किया, उन्होंने भी वीडियोस बनाई और काफी मतलब प्यार दिया, सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि यूट्यूब ने क्या रिप्लाई दिया कि मेरा यूट्यूब चैनल आएगा या नहीं आएगा या आ ही गया है, सब चीज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन जो मेन वीडियो है उसका जो मेन पर्पज है वो आपको बताना है कि मनोज दे सर ने मेरे को क्या रिप्लाई दिया और कैसा उनका स्वभाव है, सब आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। और दोस्तों, उससे पहले मैं आपको यह भी बता देता हूं, आप लोगों को जिस प्रकार से सोचते हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं होते, वो काफी अलग होते हैं। और दोस्तों, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको उनके बारे में बताने वाला हूं, मनोज दे सर ने मुझको क्या रिप्लाई दिया, मेरे YouTube चैनल के बारे में क्या कहा, और ये सब आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और ये भी बताऊंगा कि मेरा YouTube चैनल आएगा या नहीं आएगा या आने ही वाला है, और काफी सारी जो मतलब चीजें हैं, मैंने किन किन यूट्यूबर से सपोर्ट लिया, कौन कौन ने मुझे सपोर्ट किया, कैसे मैंने उन सभी लोगों को कॉन्टेक्ट किया, और कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने एक यूनिक तरीका अपनाया था, क्योंकि मुझको पता था कि अगर मैं अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करूंगा इंस्टाग्राम पर इन पर, तो वो मेरा रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं देंगे, क्योंकि मेरा जो रिप्लाई है वो रिक्वेस्ट में चला जाएगा। रिक्वेस्ट में से अगर वो एक्सेप्ट करेंगे कभी एक दो तीन दिन चार दिन बाद, तभी ही वो मेरा रिप्लाई दे पाएंगे, अन्यथा मेरा रिप्लाई नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैंने एक यूनिक तरीका भी अपनाया था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी सारे जो बड़े बड़े यूट्यूबर है उन्होंने इंस्टेंट कॉन्टेक्ट किया था। मैंने जो वो प्रोसेस की उसके बाद इंस्टेंट कॉन्टेक्ट किया मुझे, और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने मुझे सपोर्ट भी किया, हेल्प भी की, वीडियो बनाई, काफी सारी प्यार और सपोर्ट उन्होंने दिया, और ये चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। सब्सक्राइब तो जरूर ही कर देना, क्योंकि दोस्तों एक ही यूट्यूब चैनल है जिसपे आपको काफी सारी इंफॉर्मेटिव आपको मतलब वीडियोज मिलने वाली है, जिससे आप अपने जो सब्सक्राइबर्स है उनको मिलियंस में कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल को बचाने के लिए बड़े बड़े यूट्यूबर से कॉन्टेक्ट कैसे किया, और एक ऐसा यूनिक तरीका अपनाया जिसकी वजह से उन्होंने मेरा इंस्टेंट रिप्लाई दिया। मैंने क्या किया, अपने यूट्यूब चैनल के दोनों स्क्रीनशॉट ले लिए थे, एक YT वाला एक यूट्यूब वाला, और उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाल दी। इंस्टाग्राम पर मैंने दोनों स्क्रीनशॉट लगा दिए और टेक्स्ट में मैंने लिख दिया, सर मेरा 20 मिलियन वाला चैनल रिमूव हो चुका है, प्लीज़ मुझे DM पर रिप्लाई करो, मैंने सारी चीज़ें आपको भेज दी है YouTube से रिलेटेड। उसके बाद मैंने सिंपली रोहित राज मोटिवेशन सर को, स्टार्टिंग में आपको बताऊं तो मैंने सबसे पहले रोहित राज मोटिवेशन सर को मतलब मेंशन किया उस पर, और उसके बाद मैंने एक और टैग चैंपियन सपोर्ट को भी मेंशन किया। तो दोस्तों, मैंने जैसे मेंशन किया, उसके 3 मिनट बाद ही रोहित राज मोटिवेशन का लाइक आया उस स्टोरी के ऊपर। स्टोरी पर लाइक आते ही मुझे नोटिफिकेशन आ चुका था। नोटिफिकेशन आने के बाद मैंने सिंपली इंस्टाग्राम को चेक किया, उसके बाद उनका लाइक देख के मुझे पता चल गया कि इन्होंने मेरी स्टोरी देख ली है। मैं सीन पे गया तो मुझे पता चल गया कि इन्होंने मेरी स्टोरी देख ली और इन्होंने लाइक भी किया। तो मैं सबसे पहले क्या किया, चैट के ऊपर गया, क्योंकि मुझे पता था इन्होंने लाइक किया है, देखा है, तो मुझे रिप्लाई भी दिया होगा। तो जैसे ही मैं अपने DM में गया तो उनका एक मैसेज था कि मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, उनका नंबर उठाया, वहाँ से मैंने सिंपली सेव किया, व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज किया, मैसेज भी किया, और उसके साथ साथ मैंने उनको कॉल भी किया। फिर मैंने उनको सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरा YouTube चैनल क्यों डिलीट हुआ, क्या ऐसा कारण था, सब चीज़ मैंने उनको बताया, और उन्होंने कहा कि आपका चैनल आ जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको YouTube पर अपील करना पड़ेगा। हमने अपील भी की, उसके बाद हमने रीट्वीट करने के लिए एक वीडियो भी बनाई, और आपने वो सब वीडियो देख भी ली होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको रोहित राज मोटिवेशन के साथ साथ मेरी वीडियो मिल जाएगी, पॉडकास्ट वाली, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने काफ़ी सारी मतलब रीट्वीट कराए। उसके बाद क्या होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरे चैनल आने वाला है या नहीं आने वाला। और रोहित राज मोटिवेशन सर के साथ साथ एक और यूट्यूबर था जिनको मैंने मेंशन किया था उसी स्टोरी पर, उनका नाम था टैग चैंपियन सपोर्ट, आप जानते होंगे अंशु मौर्य को, उनका था। और 2 दिन बाद उनका मुझे रिप्लाई आया इंस्टाग्राम पर, और उन्होंने कहा हम आपके यूट्यूब चैनल को लेके आ जाएंगे, आसानी से आपका यूट्यूब चैनल रिकवर हो जाएगा, बस आपको सिंपली 10,000 रुपये हमें देने पड़ेंगे। अब मैं सोचा कि इतने
बड़े यूट्यूबर हो के भी मुझसे पैसा क्यों मांग रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब मैंने उन मतलब आईडी को मेंशन किया था तो मैंने गलती से गलत आईडी को मेंशन कर दिया था, जो एक फेक आईडी थी उस पर कर दिया था, क्योंकि उस पर अंशु मौर्य जी की है ना फोटो लग रही थी और उनका नाम भी अंशु मौर्य बता टैंक चैंपियन सपोर्ट बता रहा था, तो इसलिए मैंने मेंशन किया था, तब मैंने उस पर क्लिक कर दिया। फिर बाद में पता चला कि ये गलत आईडी पर मैंने इनको मेंशन कर दिया है और वो मुझे मतलब पैसे मांग रहे, फ्रॉड कर रहे हैं। तो मैंने सिंपली टैंक चैंपियन सपोर्ट के जो फर्जी मतलब जो अकाउंट था उसको मैंने ब्लॉक कर दिया और व्हाट्सएप से भी उनको मैंने डिलीट कर दिया, सारे मैसेज मैंने उसको डिलीट कर दिया। उसके बाद मुझे काफ़ी सारे मतलब छोटे छोटे यूट्यूबर से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, मैंने भी उनको कॉन्टैक्ट किया, जैसे कि दिन का फैक्ट आप यूट्यूब चैनल को जानते होंगे, उनके 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उन्होंने भी मेरे साथ पॉडकास्ट पर एक वीडियो बनाई, उसकी भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों अंकेश धाकड़ के यूट्यूब चैनल पर भी मेरी वीडियो आने वाली है, उनके भी मतलब 3 मिलियन सब्सक्राइब हो चुके हैं। और लेकिन दोस्तों अंकेश धाकड़ के यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो इसलिए नहीं आई थी क्योंकि उनके यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है, दोनों के दोनों यूट्यूब चैनल उनके डीमोनेटाइज हो चुके हैं, इसलिए वो अभी थोड़े सैड है, इसलिए मैं उनके साथ अभी वीडियो नहीं बना रहा और मतलब जल्दी ही उनके यूट्यूब चैनल पर मेरी वीडियो भी आ जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मनोदय सर को मैंने कैसे कॉन्टैक्ट किया और उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया कि मेरा यूट्यूब चैनल आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, कमेंट कुछ ऐसा किया था जिसको जानकर भी आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि दोस्तों आप सोचते होंगे कि मनोदय सभी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, क्योंकि दोस्तों जब मैंने उनके पास कॉन्टैक्ट किया तब कुछ ऐसी चीज मुझको देखने को मिली जो मैं मतलब सोच भी नहीं सकता था। मनोदय सर से कॉन्टैक्ट करने के लिए मेरे पास केवल एक ही तरीका था कि मैं इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा के उनको मेंशन कर दूं, इसलिए मैंने क्या किया, स्टोरी नहीं लगाई। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने अपने यूट्यूब चैनल के बारे में सारी चीज बताई, मैंने मतलब 20 सेकंड की एक वीडियो बनाई जिसमें सारे स्क्रीनशॉट लगा के एक बढ़िया सी वीडियो बना दी और उनमें बता दिया मनोज सर मेरी हेल्प करो, मेरा ये यूट्यूब चैनल है डिलीट हो चुका है। मैंने एक वीडियो बना के एडिट की, सब चीज मैंने एक घंटे के अंदर मतलब एक घंटे में उस वीडियो को बनाई, मैंने बहुत मेहनत की उस वीडियो को क्योंकि मुझे मनोज सर का रिप्लाई चाहिए था। उसके बाद मैंने क्या किया, मेहनत करके मैंने इस वीडियो को क्रिएट किया, उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पर उस मतलब वीडियो को लगा दिया। हेलो मनोज सर और जुन्नू की टेक सर, मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसपे 19.5 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले थे, मानो तो 20 मिलियन होने वाले थे, लेकिन यूट्यूब ने किसी कारण उस चैनल को ही डिलीट कर दिया। काफी सारे यूट्यूबर ने मेरे साथ वीडियो बनाई लेकिन अभी तक भी वो चैनल नहीं आ पाया। मैंने आपको डीएम कर दिया है और मेरे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड काफी सारी मैंने चीजें आपको भेज दी है, प्लीज। दोस्तों मनोज दे सर को मैंने ये वीडियो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगा के मैंने सिंपली मेंशन कर दिया, उनके बाद क्या हुआ 2-3 घंटे तक इंतजार किया, फिर उसके बाद मैंने सोचा इनका रिप्लाई नहीं आया, मैं डीएम में जाके भी देखा, बार बार मैंने चेक किया, अभी तक मनोज सर का मुझे कोई भी मतलब रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद मैंने सिंपली क्या किया, अपनी स्टोरी को वॉच किया, स्टोरी को देखने के बाद मैंने देखा कि 2 जनों ने इसको सीन कर रखा है, मैंने क्लोज फ्रेंड के अंदर कर दी थी इसलिए काफी सारे मतलब लोगों को दिखाई नहीं दी होगी ये स्टोरी, क्योंकि मैंने क्लोज फ्रेंड के अंदर काफी सारे मतलब 3-4 यूट्यूबर है उनको लगा रखा है, केवल उनके पास ही दिखाई देगी, इसलिए मैंने क्लोज फ्रेंड के अंदर लगा रखा था क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि सभी लोगों को पता चले कि इस तरह का हो चुका है, इसलिए मैंने क्लोज फ्रेंड के अंदर उन सभी यूट्यूबर को लगा दिया था क्लोज फ्रेंड की लिस्ट के अंदर। उसके बाद मैंने मतलब देखा तो उसके अंदर 2 यूट्यूब चैनल थे, एक टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल जिनको आप जानते होंगे और एक मनोज देश सर, मतलब दोनों यूट्यूब चैनल ने मेरी वीडियो वॉच कर ली थी। फिर मैंने देखा कि किसी ना किसी का रिप्लाई आया होगा, तो मैंने देखा कि टेक्निकल इसरार यूट्यूब चैनल वालों का मुझे रिप्लाई आया, उन्होंने कहा आपका चैनल वापस से आ जाएगा, आपको चिंता लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं संतुष्ट हो गया क्योंकि उन्होंने मुझे रिप्लाई दिया इतने बड़े यूट्यूब चैनल पर, मतलब चैनल आ ही जाएगा। लेकिन जब मैंने मनोज सर का मैंने मतलब मैसेज चेक किया तो मुझे उनका मैसेज ही नहीं दिया, मतलब फिर वापस से मैं सीन के अंदर गया, मतलब स्टोरी के सीन के अंदर, तब उनका मुझे देखा कि उन्होंने मेरी स्टोरी वॉच कर रखी है लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं दिया। अगर मेरे YouTube चैनल पर 1,000-2,000 सब्सक्राइबर्स होते तब मैं ये करता, तो मानते रिप्लाई नहीं देते, लेकिन 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स मेरे YouTube चैनल पे हैं, मैंने उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाई, फिर भी उन्होंने देख भी लिया, मेरी इस वीडियो को देख भी लिया उन्होंने, लेकिन मुझको रिप्लाई नहीं दिया। मनोदय सर के दिमाग में कुछ ऐसा आया होगा कि मेरे तो अभी 3 मिलियन ही सब्सक्राइबर्स है YouTube चैनल पे और इस लड़के के 20 मिलियन होने वाले हैं, तो इसका YouTube चैनल बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब वो कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मेरे
YouTube चैनल पर रिप्लाई नहीं दिया। अगर दोस्तों आप सपोर्ट करोगे मनोज दे सर के YouTube चैनल पे जाके फर्स्ट वीडियो पे कमेंट करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करोगे कि दिलीप तगाया यूट्यूब चैनल जिसपे 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे उसको वापस से लेके आओ, उसके साथ वीडियो बनाओ, तो जरूर वो मेरे साथ वीडियो बनाएंगे और मेरा यूट्यूब चैनल जल्दी से आ पाएगा। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोग उनके पास जाना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना जिससे मेरा वो कमेंट पढ़ लें। ऐसे तो मेरी स्टोरी भी उन्होंने देख ली थी फिर भी मुझको रिप्लाई नहीं दिया। इतने ज्यादा कमेंट करने के बाद भी अगर उन्होंने आपको या मुझे कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, अगर मेरे यूट्यूब चैनल नहीं आया, वीडियो नहीं है उनको यूट्यूब चैनल पे, तो मान लेना कि मनोज दे सर किसी की हेल्प नहीं करना चाहते, केवल अपना ही अपना सोचते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई, अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट कर देना। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।